में इस वक्त योगी फैक्टर के अलावा एक और फैक्टर की चर्चाएं जोरों पर है, और वो फैक्टर है प्रतापगढ़ जिले के बाहुबली विधायक प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का फैक्टर। अब राजा भैया ने यूं तो कह दिया है कि उनका किसी को समर्थन नहीं है, लेकिन अंदरखाने से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में राजा भैया के बड़े खेल की तरफ इशारा कर रही है। वो खेल क्या है, रिपोर्ट देखिए। उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर। उत्तर प्रदेश की दो लोकसभा सीटों कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में इस बार सियासत गरमाई हुई है, और इस सियासत के गरमाने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है प्रतापगढ़ से विधायक राजा भैया का। क्यों, क्या और कैसे की कहानी को आगे बढ़ाएं, उससे पहले समर्थकों की इस भीड़ के नारों को गौर से सुनिए। चुनावी शोर में ये नारे राजा भैया का नाम ले रहे हैं, और राजा भैया के साथ नाम ले रहे हैं अखिलेश का, और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मुहर कहां लगेगी। सवाल यह है कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के चुनाव में राजा भैया का समर्थन किसे है। ये सवाल इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि राजा भैया इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि उनका समर्थन किसी को नहीं, ना तो समाजवादी पार्टी को और ना ही बीजेपी को। कौशाम्बी में अमित शाह की रैली के बाद राजा भैया ने ये सार्वजनिक तौर पर ऐलान भी किया था। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर। आपसे मिलने आए थे भैया? दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। राजा भैया का कौशाम्बी इलाके में आने वाले कुंडा और बाबागंज विधानसभा में अच्छा खासा प्रभाव है। इन इलाकों में उनके एक इशारे पर वोटिंग होती है। सपा हो या भाजपा, दोनों ही चुनावी वैतरणी पार करने के लिए उनके दरवाजे पर जाते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि वो जहां चाहें वोट करें। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बाहुबली विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की हनक बड़ी जबरदस्त है। कुंडा सीट से साल 1993 से राजा भैया लगातार विधायक है। राजा भैया की गिनती पूर्वांचल में ठाकुरों के नेता के तौर पर होती है। प्रतापगढ़ के बाहर कौशाम्बी में राजा भैया का प्रभाव तब बढ़ा जब साल 2008 में कौशाम्बी लोकसभा का गठन हुआ, और उसमें राजा भैया के प्रभाव वाली प्रतापगढ़ की कुंडा और बाबागंज विधानसभाओं को शामिल किया गया। कौशाम्बी के लिए ये महज चौथा लोकसभा चुनाव है। साल 1997 के पहले कौशाम्बी इलाहाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ करता था। साल 2009 के पहले इस सीट को चायल के नाम से जाना जाता था, और तब भी ये सुरक्षित सीट थी। साल 2009 में जब इसका पुनर्गठन हुआ तो कुछ विधानसभा की सीट बदली और इसका नाम कौशाम्बी कर दिया गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राजा भैया ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से अपने करीबी शैलेंद्र कुमार पासी को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन शैलेंद्र कुमार 156,406 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 2024 के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही ये चर्चा तेज होने लगी कि राजा भैया कौशाम्बी लोकसभा से अपने करीबी शैलेंद्र कुमार पासी को बीजेपी का टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन राजा भैया को निराशा हाथ लगी। बीजेपी ने दो बार के सांसद विनोद सोनकर को यहां से अपना प्रत्याशी बना दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से देश के युवा उम्मीदवारों में शामिल महज 25 साल के पुष्पेंद्र
सरोज को टिकट देकर मुकाबला कड़ा कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही राजा भैया की नाराजगी की खबरें चुनावी फिजाओं में तैरने लगी। कौशाम्बी लोकसभा की सियासी तपिश का अंदाजा तब लगा जब बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह और राजा भैया के बीच एक घंटे की मुलाकात हुई। कुछ दिन बाद अमित शाह ने कुंडा में रैली की, लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन शाह की रैली में मंच पर राजा भैया की गैर मौजूदगी ने सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया। उसके बाद राजा भैया ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद कौशाम्बी की सीट और हॉट हो गई। देखिए, हमको इस जिम्मेदारी से आप लोग मुक्त करिए, मैंने ये कहने के लिए ये आप लोगों की ये जनसभा, ये कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है। आज जो प्रत्याशी मैदान में है उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसकी हम जिम्मेदारी ले सके और कह सके। हम जानते हैं, हम एक बार कहेंगे पूरा कुंडा, पूरा बाबागंज, पूरा प्रतापगढ़, आप आशीर्वाद से उसकी झोली भर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ये गृह जनपद है। उम्मीदवार विनोद सोनकर दो बार के सांसद के साथ साथ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी। दूसरी तरफ मायावती की सरकार में दूसरे नंबर के नेता रहे इंद्रजीत सरोज का बेटा पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी से लड़ रहा है। कौशाम्बी लोकसभा में कुल 7 लाख दलित मतदाता हैं, जिनमें पासी 1.5 लाख, खटिक लगभग 1 लाख, वहीं ब्राह्मण मतदाता 1,40,000, वैश्य मतदाता 1,20,000, ठाकुर मतदाता तकरीबन 1 लाख, वहीं मुस्लिम मतदाता लगभग 2,50,000, पटेल मतदाता तकरीबन 1,30,000, मौर्य मतदाता 1,15,000, वहीं लोधी मतदाता 60,000 और यादव मतदाता लगभग 1,40,000 है। कौशाम्बी सीट पर दलित के साथ साथ ओबीसी की कुर्मी और पाल जातियां निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में इन दोनों जातियों से आने वाले मतदाताओं को साधने के लिए सिराथू से पल्लवी पटेल और चायल से पूजा पाल को प्रत्याशी बनाया था, और दोनों सीटों पर एसपी ने जीत भी दर्ज की थी। लेकिन पल्लवी पटेल ने एसपी छोड़ दी, वो कौशाम्बी से अपना दल कमेरावादी और एआईएमआईएम के गठबंधन पीडीएम के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। लेकिन बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी की तरफ से कुर्मी वोटरों को साधने के लिए मोर्चा संभाला हुआ है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ बसपा के बीच वोटों का जमकर ध्रुवीकरण होगा, और इनके बीच खड़ा है जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया का फैक्टर। इस फैक्टर को कैसे खत्म किया जाए, ये चुनौती है। राजा भैया के प्रभाव वाली कौशाम्बी लोकसभा सीट पर पांचवें चरण में मतदान है और प्रतापगढ़ में छठे चरण में वोटिंग होनी है। प्रतापगढ़ की राजनीति भी पूरी तरह से राजा भैया के इर्द गिर्द सिमटी हुई मानी जाती है। राजा भैया के प्रभाव वाली प्रतापगढ़ लोकसभा सीट को देखें तो इस सीट की पांचों विधानसभा सीटों पर कुल 16,82,147 मतदाता है। अनुसूचित जाति की आबादी इस सीट पर 19.9% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी तकरीबन 0.03% है। इसके अलावा इस सीट पर राजपूत और कुर्मी मतदाताओं के साथ साथ ब्राह्मण मतदाता काफी निर्णायक भूमिका में, साथ ही यहां 14% मुस्लिम आबादी भी है। लखनऊ और इलाहाबाद के बीचों बीच बसी यह सीट एक दौर में कांग्रेस का गढ़ थी। आजादी के बाद से ही प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर 2019 तक तकरीबन 16 बार लोकसभा चुनाव हुए। इनमें से 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि एक बार सपा और एक बार बीजेपी जीत दर्ज कर सकी। इसके अलावा अपना दल, जनसंघ और
जनता दल ने भी एक एक बार जीत हासिल कर चुकी। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने सांसद संगम लाल गुप्ता को फिर से प्रत्याशी बनाया है। वहीं एसपी ने पूर्व एमएलसी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया है। ये पहली बार लोकसभा चुनाव के मैदान में। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटों में सेन लगाने के लिए प्रथमेश मिश्र को उम्मीदवार बनाया है। संगम लाल गुप्ता के रूप में अपना प्रत्याशी बना करके फिर से आपके बीच भेजा है। वो तो नाम भी संगम, प्रयागराज का एक संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का, पूरा दुनिया आती है स्नान करने के लिए। और आपके पास तो सांसद के रूप में ही मोदी जी ने संगम भेज दिया है। वे विकास भी कर सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं, आपकी हक की लड़ाई को भी लड़ सकते हैं। इसलिए संगम लाल गुप्ता को कमल चुनाव चिन्ह पर 25 मई को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। दोनों ही सीट पर राजा भैया का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है, जिसके चलते वो किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव होने हैं 25 मई को, क्या रहेगा राजा भैया फैक्टर, कितना काम करेगा राजा भैया का फैक्टर? 3-4 जिलों में बहुत भयंकर काम करने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राजा भैया का अपमान किया, और कल भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने जो असंदरी भाषा का प्रयोग किया, जिसका व्यापक पैमाने पर प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद जबरदस्त सवर्ण बिरादरी में जबरदस्त विरोध है।